Good morning everyone. Today we will talk about Khadiya tribe. The term Khadiya came from the word khad or khadi. ये खड़िया लैंग्वेज का वर्ड है खड़ और खड़ी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पालकी और डोले। क्लियर? ये जो पालकी और डोली होता था, दिस वॉज यूज टू कैरी द किंग बाय द खड़िया पीपल। इसी से खड़िया पीपल किंग को कैरी करके एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, और इसी वर्ड से खड़िया ट्राइब का नाम पड़ा। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं खड़िया ट्राइब के बारे में। माना जाता है कि खड़िया ट्राइब का मूल निवास मगध एवं रोहतास है। ये मगध और रोहतास से ही झारखंड आए। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं रेस ऑफ खड़िया ट्राइब। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, लैंग्वेज खड़िया लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप, क्लियर? रेसिडेंस, इनकी रेसिडेंस की बात करें तो रांची, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, क्लियर, सिंहभूम, ये इनका कुछ निवास क्षेत्र है। आगे देखते हैं सोशल एंड कल्चरल सिस्टम खड़िया ट्राइब का। खड़िया ट्राइब आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स। दे आर सब डिवाइडेड खड़िया इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला हिल खड़िया, जिसको पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं। डेलकी खड़िया एंड थर्ड वन इज योर दूध खड़िया। जिसमें कि हिल खड़िया सबसे बैकवर्ड है, डेलकी और दूध खड़िया से बैकवर्ड हिल खड़िया है, मोस्ट बैकवर्ड।
और इन तीनों में जो सबसे एडवांस कैटेगरी है दैट इज दूध खड़िया का। दूध खड़िया कह सकते हैं इज द एडवांस एंड एजुकेटेड अमंगेस्ट देम। दे आर, दूध खड़िया की बात कर रहे हैं, दे आर एडवांस्ड एंड एजुकेटेड। देलकी कड़ी खड़िया और दूध खड़िया की बात करें तो ये सुपीरियर टू द हिल खड़िया है, लिख सकते हैं। क्लियर। ये तीनों कैटेगरीज जो हिल खड़िया का है, सॉरी खड़िया ट्राइब का है, तीन ग्रुप है, हिल खड़िया, देल की खड़िया, दूध खड़िया, ये तीनों हमें याद रखना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। हिल खड़िया अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर लिवलीहुड। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, यूथ डॉर्मेट्री। गितियो, इनके युवा गृह को गितियो कहते हैं। क्लियर। मैरिज, इनके विवाह की बात करें तो इनमें कई प्रकार के विवाह देखे गए हैं, जिसमें कि कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक प्रचलित और मान्य है। क्लियर। जिस विवाह को ओलाल दाई या असल विवाह कहते हैं। फर्स्ट मैरिज टाइप, मैरिज में हम लोग देख रहे हैं ओलाल दाई या इसी को असल विवाह कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर, मैरिज अमंग खड़िया ट्राइब। ओलाल दाई या असल विवाह सबसे ज्यादा पॉपुलर है खड़िया में। इसमें ब्राइड प्राइस देकर विवाह होता है। आगे देखते हैं इनके अन्य विवाह। नेक्स्ट इज उधरा या उघरा। उघरा उघरी या उधरा उधरी। उधरा उधरी या फिर किसी किसी बुक में आपको मिलेगा उघरा उघरी लिखा हुआ।
उघरा उघरी या उधरा उधरी विवाह में ब्राइड और कह सकते हैं सह पलायन दोनों एक साथ दूसरे जगह से चले जाते हैं। नेक्स्ट इज तापा तनीला। तापा तनीला, तापा तनीला अपहरण विवाह जिसको कहते हैं, अपहरण करके वर कन्या को हर करके करके ले जाता है और विवाह करता है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज राजी खुशी विवाह। ये प्रेम विवाह होता है। क्लियर। ढूकू चोल की विवाह, ढूकू चोल की विवाह, ये हठ विवाह होता है। क्लियर। आगे देखते हैं टर्म सगाई, सेम है जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं सगाई टर्म के बारे में। मैरिज विथ विडो और डाइवोर्सी, इसको सगाई कहते हैं। क्लियर। इसमें ब्राइड प्राइस को गिनिंग तंग कहते हैं। ब्राइड प्राइस ये आपको ब्राइट प्राइस यूथ डॉर्मेट्री हर बुक में नहीं मिलेगा, ये लुसेंट झारखंड जीएस में मेंशन है। ब्राइट प्राइस को गिनिंग तंग कहते हैं, यूथ डॉर्मेट्री को गितियो कहते हैं। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, खड़िया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें, जो इसमें ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है दैट इज ढोकलो सोहोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ खड़िया। ढोकलो सोहोर, ध्यान रहे इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। गवर्नेंस सिस्टम ऑफ खड़िया में ढोकलो सोहोर में क्या होता है, ढोकलो का मतलब क्या होता है, सोहोर का मतलब क्या होता है, ये सारा हम लोग अलग टॉपिक में ही पढ़ेंगे। क्लियर। नाउ हेड ऑफ खड़िया विलेज, खड़िया विलेज के प्रधान को हेड को मुखिया को प्रधान कहते हैं। असिस्टेंट ऑफ प्रधान, प्रधान के असिस्टेंट को नेगी कहते हैं। क्लियर। हेड ऑफ पंचायत,
हेड ऑफ पंचायत को बंदिया या दंदिया किसी किसी बुक में मिलेगा, बंदिया या दंदिया। क्लियर। विलेज पंचायत धीरा कहते हैं, विलेज पंचायत को धीरा कहते हैं। क्लियर। संदेश वाहक या मैसेंजर ऑफ प्रधान, उसको गंडा कहते हैं। क्लियर। मैसेंजर को गंडा कहते हैं। आगे देखते हैं, रिलीजन धर्म, धर्म की बात करें तो इनके सुप्रीम डीटी सर्व प्रमुख देवता बेड़ो होते हैं, जो सूर्य का प्रतीक होते हैं। क्लियर। बेड़ो या फिर किसी बुक में आपको बेला गॉड या ठाकुर मिलेगा लिखा हुआ, बेला गॉड या फिर ठाकुर, सबका मतलब सन से होता है। बेड़ो सुप्रीम टीटी जो बेड़ो है वो सूर्य का प्रतीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, माउंटेन डीटी पाट दुबा पहाड़ देवता पाट दुबा है। फॉरेस्ट डीटी बोड़ाम। क्लियर। ये हो गया कुछ इनके देवताओं के बारे में, सरना देवी गूमी। क्लियर। नो, खड़िया लोग अपने भगवान को गिरिंग बेरी कहते हैं। क्लियर। अपनी भाषा में खड़िया लोग सॉरी, अपनी भाषा में खड़िया लोग अपने भगवान को गिरिंग बेरी कहते हैं। पीपल ऑफ खड़िया कॉल देयर गॉड गिरिंग बेरी इन देयर लैंग्वेज। क्लियर। या फिर धर्मराज भी कहते हैं। In their language,
अपनी भाषा खड़िया में अपने भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग इसी में फेस्टिवल्स, इनके फेस्टिवल्स देखने के पहले हम लोग देखते हैं रिलीजियस हेड, इनके रिलीजियस हेड कौन होते हैं। रिलीजियस हेड हिल खड़िया के दिहुरी होते हैं और दूध एंड डेल की खड़िया के पाहन होते हैं। दूध एंड डेल की खड़िया के पाहन होते हैं। क्लियर? धार्मिक प्रधान फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स इनके त्यौहार की बात करें तो बा बिड, बीजारोपण से रिलेटेड त्यौहार है फेस्टिवल्स। बा बिड जो कि सोइंग ऑफ सीड्स, जब ये धान रोपते हैं तो उससे रिलेटेड ये त्यौहार है बाबिड। क्लियर? जो सभी के लिए कॉमन है ये त्यौहार। क्लियर? सोई कादो लेटा, नेक्स्ट इज कादो कादो वर्ड मीन्स होता है इन खड़िया लैंग्वेज मड, तो ये जनरली ये मड से रिलेटेड, मडी फील्ड से रिलेटेड होता है। लेटा मीन्स मड को, मड से मड को लगा लेना कह सकते हैं। ये सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द वर्क इन द मडी फील्ड। क्लियर? कादो लेटा। नया देम या फिर धान नुआ खिया, नेक्स्ट फेस्टिवल है नयो देम, इसी को कहते हैं धान नुआ खिया। नयो देम, नयो मीन्स न्यू होता है इनकी भाषा में, नयो न्यू मतलब कोई भी नया, नयो से आप समझ सकते हैं नया न्यू। धान नुआ खिया, खिया खाने से रिलेटेड है और धान नुआ इज धान, पैडी क्रॉप से रिलेटेड है। तो ये फेस्टिवल्स, ये पूजा है जो ये करते हैं नया अन्न या चावल खाने के पहले, ये पूजा ये अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं नया अन्न या चावल खाने के पहले पूर्वजों को अर्पित करने का पर्व है ये नयोदेम या धानुआ खिया। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।